Dear students, today's our topic is air pollutants, means Vayu Pradushak. The substances which increase the air pollution is called air pollutants. It means ki aise sabhi substance या ऐसे सभी पदार्थ जो कि वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं, उन्हें इंक्रीज करते हैं, उन्हें हम एयर पॉल्यूटेंट्स या वायु प्रदूषक कहते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स. अगर हम एयर पॉल्यूटेंट्स को क्लासिफाई करते हैं तो देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स. फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन और सोर्सेज. सेकेंड वन इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ मैटर. एंड लास्ट वन इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन. सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन और सोर्सेज की. अगर हम एयर पॉल्यूटेंट्स को उनके स्रोत के आधार पर वर्गीकृत करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स. फर्स्ट इज प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, जिसे कि प्राथमिक प्रदूषक कहा जाता है. अगर हम बात करें प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की तो ऐसे सभी एयर पॉल्यूटेंट्स जिनका एमिशन एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट हुआ है और वो उसी फॉर्म में रहते हैं जिस फॉर्म में उनका एमिशन हुआ है, तो ऐसे सभी पॉल्यूटेंट्स को हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कहते हैं. इनके एग्जांपल्स हैं कार्बन मोनोऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, हाइड्रोकार्बन्स एंड पर्टिकुलेट्स. यहाँ पर जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है उसमें एक्स जो है वो ऑक्साइड्स को शो करता है. नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स. ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो कि टू और मोर देन टू प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के इंट्रैक्शंस के थ्रू बनते हैं, उन्हें हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कहते हैं. मतलब जब दो या दो से ज़्यादा प्राइमरी पॉल्यूटेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से क्रिया करते हैं, तो बनने वाले नए पॉल्यूटेंट को हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहते हैं. इनके एग्जांपल्स हैं ओजोन जो कि ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. नेक्स्ट पैन, जिसका फुल फॉर्म होता है परोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जो कि फोटोकेमिकल स्मोक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. एंड लास्ट वन इज स्मोक. अगर हम स्मोक की बात करें तो इसमें SM वर्ड स्मोक को शो करता है एंड OG वर्ड फॉग को शो करता है. मींस जब स्मोक के साथ फॉग मिलता है तो उसे हम स्मोक कहते हैं. इससे भी आपको क्लियर हो गया होगा कि जब दो या दो से ज़्यादा प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एक दूसरे से इंट्रैक्ट करते हैं तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बनते हैं. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ मैटर, मीन्स पदार्थ की अवस्था के आधार पर वर्गीकरण. अगर हम एयर पॉल्यूटेंट्स को स्टेट ऑफ मैटर के बेस पर क्लासिफाई करते हैं तो एयर पॉल्यूटेंट्स टू कैटेगरी में डिवाइड होते हैं. फर्स्ट होता है गैसियस पॉल्यूटेंट्स एंड नेक्स्ट है पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स. गैसियस पॉल्यूटेंट्स, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसे सभी पॉल्यूटेंट्स जो कि गैसियस फॉर्म में ही पाए जाते हैं, उन्हें हम गैसियस पॉल्यूटेंट्स कहते हैं. इनके एग्जांपल्स हैं कार्बन मोनोऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा. सेकेंड है पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स. पार्टिकुलेट का मतलब होता है पार्टिकल्स, मींस ऐसे सभी पॉल्यूटेंट्स जो कि पार्टिकल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, उन्हें हम पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स कहते हैं. पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है सॉलिड पॉल्यूटेंट्स एंड नेक्स्ट है लिक्विड पॉल्यूटेंट्स. सॉलिड पॉल्यूटेंट्स, फिर से वही बात कि जैसा नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसे सभी पॉल्यूटेंट्स जो कि सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, उन्हें हम सॉलिड पॉल्यूटेंट्स कहते हैं. इसके एग्जांपल्स हैं डस्ट, स्मोक एंड ऐश. अगर हम बात करें स्मोक की तो बहुत सारे लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि स्मोक जो है उसे हम गैसियस पॉल्यूटेंट्स में रखते हैं, बट ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि जो स्मोक है वो कलेक्ट होने पर सॉलिड पार्टिकल्स ही बनाता है. आप लोगों ने भी कई बार रूरल एरियाज जैसे कि गांव में चूल्हे पर खाना बनते हुए देखा होगा, तो वहाँ पर जहाँ पर जिस एरिया में चूल्हे पर खाना बनता है उसके ऊपर जो दीवार रहती है वो पूरी तरीके से ब्लैकिश हो जाती है. मींस जो स्मोक है, मींस जो धुआं है, वो कलेक्ट होकर ब्लैक पार्टिकल्स बनाता है जो कि सॉलिड फॉर्म में रहता है. इसीलिए स्मोक को हम सॉलिड पॉल्यूटेंट्स की कैटेगरी में रखते हैं. सेकेंड है हमारा लिक्विड पॉल्यूटेंट्स, मीन्स ऐसे सभी पॉल्यूटेंट्स जो कि लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, उन्हें हम लिक्विड पॉल्यूटेंट्स कहते हैं. इसमें एग्जांपल्स हैं लिक्विड ड्रॉपलेट्स एंड एरोसॉल. नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, मीन्स रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण. अगर हम कंपोजिशन के बेस पर एयर पॉल्यूटेंट्स को
क्लासिफाई करते हैं तो एयर पॉल्यूटेंट्स फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं. फर्स्ट है ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स एंड अनादर वन इज इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स. बात करते हैं हम ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की. ऑर्गेनिक मीन्स कार्बनिक. तो क्लियर यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ऐसे सभी पॉल्यूटेंट्स जिनमें कार्बन मेन एटम होता है उसे हम ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स कहते हैं. इन ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स में कार्बन तो मेन एटम होता ही है, लेकिन उनके साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड इसी टाइप के एटम्स भी कंबाइन फॉर्म में पाए जाते हैं. ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इनके एग्जाम्पल्स होते हैं हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट वन इज एल्डिहाइड्स. आप सभी को पता है कि एल्डिहाइड्स के फॉर्मूले में फॉर्मूला जो है वो या उसका फंक्शनल ग्रुप CHO होता है. मींस यहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है. नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. वोलेटाइल का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स जिनको अगर हम एटमॉस्फेयर में खुले में रखें तो वो उड़ जाते हैं. फॉर एग्जांपल ईथर की बात करें हम या अल्कोहल की, अगर हम इसको एटमॉस्फेयर में खुले में रख दें तो ये कुछ देर बाद गायब हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि ये वोलेटाइल होते हैं. तो ऐसे सभी कंपाउंड्स भी ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स में आते हैं. नेक्स्ट है हमारा इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स. इनऑर्गेनिक को हिंदी में अकार्बनिक बोलते हैं. मींस ऐसे पॉल्यूटेंट जिसमें कार्बन मेन एटम नहीं होता है उन्हें हम इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स कहते हैं. एग्जांपल्स हैं इनके कार्बन मोनोऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन फ्लोराइड एक्सेट्रा.